डेंगू बुखार एक खतरनाक लेकिन काबिल इलाज बीमारी है। डेंगू बुखार से पूरी दुनिया में लाखों लोग मुतासिर होते हैं। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और इस मच्छर की अफजाइश गर्म आबो हवा में होती है। बदकिस्मती से अभी तक ऐसी कोई दवा या स्प्रे दरियाफ्त नहीं किया गया जिससे डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके। डेंगू मच्छर की अफजाइश कैसे होती है और कहां होती है, इसके बारे में अवाम में आगाही का होना बहुत जरूरी है। डेंगू बुखार एक डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू मच्छर को एडी मच्छर भी कहा जाता है। एक मच्छर को 7 दिन लगते हैं एक एडी मच्छर बनने में। एडी मच्छर की अफजाइश साफ पानी में होती है और ये मादा मच्छर के काटने से होता है। एडी मादा मच्छर साफ पानी में ब्रीड करती है और फिर ये अंडे लार्वा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर लार्वा से प्यूपा बनते हैं और फिर प्यूपा से मच्छर बन जाता है। और इस सारे अमल में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। फिर ये मच्छर काटने के लिए उड़ जाता है। एक मादा मच्छर 3 से 4 अंडों के बैचेस देती है और हर बैच में 70 से 80 अंडे होते हैं। मेल मच्छर फूलों और पौधों के जूस से अपनी खुराक पूरी करता है और इंसानों को नहीं काटता, जबकि मादा मच्छर इंसानी खून से अपनी खुराक पूरी करती है और इस तलाश में वो इंसानों को काटती है। फीमेल मच्छर इंसानी जिस्म में डंक दाखिल करके ब्लड वेसल से खून चूस लेती है और इस तरह जिस्म में डेंगू वायरस शामिल हो जाता है। और एक दफा मादा मच्छर खून चूस कर अपनी खुराक पूरी करे तो फिर साफ पानी की तलाश में उड़ जाती है और वहां अंडे देती है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि 100 से ज्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है। सबसे पहले इसकी वबाई अमराज के तौर पे ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये फूटी थी और उसके बाद से ये सारी दुनिया में तकरीबन फैल गई है। ये डेंगू बुखार जो है ये एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई। और इस मच्छर की चंद बहुत इम्पॉर्टेंट खसूसियात हैं जो कि आवाम के नॉलेज में आनी चाहिए। इस मच्छर में सबसे पहली बात तो ये है कि ये साफ पानी का मच्छर है। इसका मतलब ये है कि ये मच्छर अपनी अफजाइश साफ पानी में करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मच्छर गंदगी पे नहीं होता। इसकी अफजाइश यानी इसकी नश्व नुमा जो है वो साफ पानी में होती है, अमूमन उस साफ पानी में जो कि खुले आसमान तले पड़ा होता है, किसी बर्तन में, किसी गमले में, किसी टायर के किसी टुकड़े में, किसी टूटे हुए बर्तन में, छत में, एसी के पाइप के नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है। ये मच्छर जो है ये मादा, इस एनोफिलीज की मादा जो है वो अंडे देती है हमेशा उस जगह पे जिस जगह साफ पानी हो, उस बर्तन की साइड पे ये अंडे देती है या दीवारों की साइड पे ये अंडे देती है। जब उस अंडे को साफ पानी लगता है तो वो अंडा जो है वो लार्वा में बदल जाता है और लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एक मच्छर बन जाता है। ये ज़रूरी है लोगों को ये इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि ये मच्छर जो है इसके अंदर वायरस नहीं होता। ये जब किसी मरीज़ को काटता है जिसको जिसके अंदर डेंगू वायरस है तो उसका खून चूस के उस वायरस को साथ अपने सक करता है और फिर जब किसी सेहतमंद आदमी को काटता है तो उसको ये वायरस ट्रांसमिट कर देता है। ये बीमारी हवा में नहीं है, ये मच्छर के काटने से सिर्फ होती है। इस मच्छर के काटने से जो डेंगू वायरस, जो डेंगू फीवर होता है, इसकी 4 किस्म के वायरसेज इसको काज करते हैं जिनमें से डेंगू 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस समझा जाता है।
डेंगी बुखार की जो हालात हैं वो तीन किस्म की इसकी प्रेजेंटेशन होती हैं, तीन तरह से मरीज को ये नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह से उसको कहते हैं डेंगी फीवर, जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर ये वायरस दाखिल होने के 3 से 14 दिन के अंदर अंदर बुखार, सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, पेट में दर्द, वॉमिटिंग और जिस्म दर्द की शिकायत पैदा करता है। ये 6 से 7 दिन तक ये हालत उसकी रहती है या 3 से 7 दिन तक उसकी ये हालत रहती है। उसके बाद इसका बुखार कम हो जाता है और उस मरीज़ में स्किन के ऊपर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें दाने निकल आते हैं, रैशेस बन जाते हैं और ख़ारिश शुरू हो जाती है। ये वो फेज़ है जिस फेज़ में कि जो आजकल हर एक आदमी के ज़ेहन पे एक ही चीज़ सवार है कि मेरे प्लेटलेट कितने हैं। ये वो फेज़ है, इसमें प्लेटलेट कम होने शुरू होते हैं। इस फेज़ में प्लेटलेट कम होते हैं, ख़ारिश होती है, बुखार कम होता है, लेकिन इसी फेज़ में इस मरीज़ की दूसरी शदीद और ख़तरनाक अलामत जो है, जिसको डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं, वो नमूदार होती है। डेंगी हेमरेजिक फीवर जो है, इसमें जिस्म इंसानी जिस्म के खून की जो नालियां हैं, बारीक नालियां, उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है और इंसानी जिस्म का प्लाज्मा, खून का एक कंपोनेंट, वो टिश्यूज़ के अंदर लीक हो जाता है। उसके लीक होने की वजह से जो खून के अपना वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और मरीज़ जो है उसको तकलीफ़ ये होती है कि उसको घबराहट होती है, उसको सांस की तकलीफ़ होती है, उसके पेट में दर्द होती है और उसको उसका ब्लड प्रेशर जो है, यानी उसका जो एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टालिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टालिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो 20 से कम हो जाता है। ऐसी हालत में डेंगी हेमरेजिक फीवर उसको पेशेंट को लेबल किया जाता है। डेंगी हेमरेजिक फीवर के लिए पेशेंट का हस्पताल में होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही वो मैनेजमेंट है जो उसकी ज़िंदगी को बचा सकती है या उसको मौत के मुँह में धकेल सकती है। तीसरा जो इसका ख़तरनाक एलिमेंट होता है कि ये डेंगी हेमरेजिक फीवर जब जिस्म के अंदर, अपने इंसानी जिस्म के अंदर अपना ही खून का एक हिस्सा प्लाज्मा जो कि फेफड़ों में और पेट में और लिवर में जाना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो मरीज़ जो है वो डेंगी शॉक में चला जाता है। डेंगी शॉक में जब चला जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी नब्ज़ की रफ़्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके लिए अपने जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसका भी इलाज इंटेंसिव केयर में होता है। इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा मैं, वो ये हैं कि आपको जब बुखार होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार जो है वो डेंगी हो। डेंगी अगर बुखार की शक्ल में, आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, आराम करना चाहिए। शुरू के जो 3-4 रोज़ होते हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का, जूसों का, फलों का इस्तेमाल करें और बुखार कम करने के लिए पैनाडॉल के अलावा कोई और दवाई इस्तेमाल ना करें। एस्प्रिन या ब्रूफेन या वोल्ट्रान या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्लेटलेट को चूँकि असरअंदाज होती हैं और ये बुखार खुद भी, इसका जरासीम जो है ये प्लेटलेट को तबाह करता है, इसलिए इससे दोहरा नुकसान, इन दवाइयों के इस्तेमाल से दोहरा नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको हदायत ये होती है लोगों को कि आप सिर्फ पैनाडॉल इस्तेमाल करें, ये पैरासीटामोल इस्तेमाल करें, इसके अलावा बुखार कम करने के लिए कोई और दवाई इस्तेमाल ना करें। दूसरे, इसमें आपका बेड रेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी कुव्वत मदाफियत कम होने की वजह से आपको दूसरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में
ये वायरस जो है ये आपकी बोन मैरो पे हमला करता है और आपके वाइट ब्लड सेल की तादाद को भी कम कर देता है। वाइट ब्लड सेल की तादाद जब कम होती है तो जिस्म की कुव्वत मदाफियत दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ कम हो जाती है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि आपको दूसरी बैक्टीरिया का, जैसे टाइफाइड है या खांसी है या निमोनिया है, उसका भी आपको अटैक हो सके। इसलिए बिस्तर पे आराम करना, बुखार के लिए पैनाडाल इस्तेमाल करना और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस बुखार की, इस डेंगी फीवर की बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें दिमाग पे भी असर हो सकता है, आपके गाल ब्लैडर पे भी असर हो सकता है। इसलिए जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा इससे आपको नुकसान कम होने का चांस है। सबसे ज़रूरी बात यह है हमारे डॉक्टर हजरात के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी कि जब आपको बुखार हो उस वक़्त आपने क्या करना है, क्या तदाबीर करनी है, और जब बुखार आपका कम हो रहा हो उसकी उस फेज़ में आपने क्या तदाबीर करनी है। दो बातें हैं, इसको बाईफेजिक बीमारी भी कहते हैं। पहले हमें ये देखना है कि अगर बुखार जब है तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है बेड रेस्ट, मरीज़ को जितना पॉसिबल हो बेड रेस्ट करना चाहिए। दूसरा है फीवर कंट्रोल, इसमें एसीटामिनोफिन, जिसको पैरासीटामोल भी कहते हैं, अमेरिका में इसको टैलेनॉल कहते हैं, ये 6-6 घंटे के बाद दी जा सकती है, मैक्सिमम 4 डोजेज। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्रूफिन, एस्पिरिन या एस्पिरिन कंटेनिंग दवाइयां हमने नहीं देनी, और कोशिश करनी है कि बुखार कम करने के लिए मरीज़ को स्पॉन्जिंग की जाए ठंडे पानी के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इससे चूँकि बुखार होता है, बुखार से जिस्म का पानी कम होता है और डिहाइड्रेशन हमने रोकनी होती है। इसमें डिहाइड्रेशन की वजह जो है वो हाई फीवर भी है, इसमें वॉमिटिंग भी होती है और मरीज़ जो है उसका खाना पीना कम हो जाता है, इसकी वजह से भी उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। मरीज़ को पानी पिलाने और खाना खिलाने के बाद भी अगर उसको पेशाब कम आ रहा है और अगर वो बच्चा है तो उसके आंसू नहीं आ रहे उसके रोने के बावजूद, अगर उसका मुंह, जुबान और होंठ खुश्क हैं बुखार की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से या पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसमें मरीज़ को पानी ज़्यादा देना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन के यानी कम पानी के साइंस कहीं पैदा तो नहीं हो गए, और उन जो साइंस हैं उनमें ये है कि पेशाब में कमी हो जाती है, बच्चा रोता है लेकिन उसके आंसू नहीं होते, मुंह खुश्क होता है, जुबान खुश्क होती है, होंठ खुश्क होते हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं, बेचैनी होती है या घबराहट होती है, हार्ट रेट उसका जो है वो 100 से ज़्यादा होता है, जिल्द उसकी जो है वो ठंडी लगती है, और बहुत ही छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो सर के ऊपर उनके फॉन्टनेले होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। इसमें एहतियात, और सिर्फ एहतियात ये है कि पैनिक ना करें, ये बुखार है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझें, इसको समझने की कोशिश करें और मशवरा करें लोगों से, इसको डिस्कस करें आपस में, अपने इलाके को साफ रखें, अपने घर के अलावा इलाके पर भी तवज्जो दें, और शाम के वक्त अपने घरों के अंदर स्प्रे करें, मच्छर मार स्प्रे करें, और कोशिश करें कि आप एक कमरे में अगर स्प्रे करें शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद तो उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दें और किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, फिर वहाँ स्प्रे कर लें और उसको बंद कर लें। इस तरह बारी बारी अपने घर के तमाम कमरों में, किचन में, बाथरूम में, अपने स्टोर रूम में, पर्दों के पीछे, बिस्तर के नीचे, अपने पुराने ट्रंक जहाँ पड़े हुए हैं उसके पीछे, उस सब जगह स्प्रे करें। रोज़ाना स्प्रे करने से मच्छर मर जाएगा और डेंगू बुखार का खतरा टल जाएगा। इस मर्ज को फैलाने वाला मच्छर आलूदा पानी और गंदगी के बजाय साफ पानी में पैदा होता है। मसलन घर के बागीचे में, क्यारियों में खड़ा पानी, यहाँ तक के बाथरूम में खड़ा पानी भी इस मच्छर की अफसाइश का काम दे सकता है।
वैसे तो ये मच्छर हर वक्त काटने की सलाहियत रखता है, मगर खास तौर पर सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर 8 बजे तक का वक्त और शाम गुरूब आफ्ताब का वक्त इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा इन औकात में एहतियात बरतनी चाहिए। मच्छर मार कीमियाई स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छर के काटने से बचा जा सके। अगर ये तमाम अलामत महसूस हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें ताकि जल्द अज जल्द मर्ज का इलाज किया जा सके। जब मरीज को डेंगू बुखार हो जाता है तो इसमें मरीज को मच्छर के काटने से बचाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो मरीज जिसके अंदर बुखार डेंगू है वो उसके अंदर डेंगू का वायरस है और उसको जब मच्छर काटेगा तो वो उसका वायरस लेके दूसरों को फैलाने का मौजद बनेगा, सबब बनेगा। इसलिए मरीज को आपने ऐसी जगह पर लटाना है घर में जहाँ पर मच्छर उसके नज़दीक ना पहुँचें। कई लोग आजकल देखते हैं हम लोग के वो एक मॉस्किटो नेट जिसे कहते हैं वो लगा लेते हैं। अकेला मॉस्किटो नेट कुछ नहीं करता, मॉस्किटो नेट के अंदर आपको एंटी मॉस्किटो स्प्रे करके उसको 1 घंटे के बाद उसको मरीज़ के अंदर डालना चाहिए और उस नेट को भी ज़्यादा देर उठाना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उस कमरे में जिस कमरे में कि मरीज़ आपने डेंगू मरीज़ डाला हुआ है उस मरीज़ के कमरे के अंदर भी एंटी मॉस्किटो स्प्रे किया जाए। बुखार उतरने का मतलब डेंगू में ये नहीं है कि बीमारी चली गई है। इस बीमारी में जब बुखार उतरता है उस वक़्त कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और होती हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक डेंगू फीवर होता है जिसमें प्लेटलेट तो कम ज़रूर होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर प्लाज्मा लीकेज नहीं होती, वो भी इसी स्टेज में होती है। और प्लाज्मा की लीकेज जो है वो भी उसी वक्त होती है जबकि बुखार उतर रहा हुआ होता है। इन दोनों में फ़र्क करना जो है और इन दोनों को पहचानना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें आपने जो ज़रूरी चीज़ें देखनी हैं वो ये देखनी है, ये फेज़ जो है सेकंड फेज़, ये बुखार शुरू होने के 3 से 7 दिन के बाद होती है। ये याद रखें, 3 से 7 दिन के बाद, किसी में पहले हो जाएगी 3 दिन के बाद, किसी में 7 दिन के बाद होगी। दरमियान में 3 से 7 दिन का मतलब है 3 से 4, 5, 6, 7 किसी दिन भी हो सकती है। इसमें आपने जो चीज़ गौर से देखनी है वो ये देखनी है कि अगर बुखार जब कम हो रहा है और उस मरीज़ को पेट में दर्द शुरू हो जाती है और उसकी वोमिटिंग ठीक नहीं होती, उसके जिस्म पे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं या बड़े बड़े पैचेस उसके स्किन पे बन जाते हैं, उसके नाक से या उसके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है या उसको खून की उल्टी आ जाती है या उसके स्टूल जो हैं वो गहरे स्याह काले रंग के हो जाते हैं या वो नीम बेहोशी में चला जाता है या वो रेस्टलेस है और इरिटेबल है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है, या उसकी स्किन जो है वो बिल्कुल पीली हो जाती है, पेल हो जाती है, ठंडी हो जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इन अलामात की सूरत में ये लगता है कि इससे या पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ वो जा रहा है या उसको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई हुई है, तो उस सूरत में इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता। ऐसे मरीज़ को किसी बड़े अस्पताल में दिखाने की और फौरी तौर पर ले जाने की इंतहाई ज़रूरत है। ये फेज़ जो है ये 2 से 3 दिन तक रहती है और उस दौरान में अगर आप उसकी बॉडी के फ्लूइड्स को अच्छी तरह मैनेज कर लें तो ये फेज़ ख़त्म हो जाती है और इसके बाद मरीज़ सेहतमंद हो जाता है।